आज के समय में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर कोई बॉडी बनाना चाहता है तो विदेशी बॉडी बिल्डर्स की ओर देखता है। यही नहीं, उनकी एक्सरसाइज और उनके डाइट प्लान को कॉपी करने की कोशिश भी करता है। कुछ लोग तो विदेशी बॉडी बिल्डर्स का डेली रूटीन भी फॉलो करते हैं, और शायद इसकी बड़ी वजह है इंडियन जिम में इन्हीं विदेशी बॉडी बिल्डर्स की तस्वीर लगी होना। और इन बॉडी बिल्डर्स की फोटो आपको भारत की हर जिम में मिल जाएगी। देश के सभी शहरों में जितने भी जिम खुल रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी बॉडी बिल्डर्स की ही तस्वीर मिलेंगी। लेकिन क्या आप भारत के किसी ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जानते हैं जो अपने जमाने का बेहद दमदार बॉडी बिल्डर रहा हो? वो जमाना जब अर्नोल्ड जैसे बॉडी बिल्डर पैदा होकर सिर्फ चलना सीख रहे थे। शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि जब भी किसी पुराने बॉडी बिल्डर की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के मन में सिर्फ अर्नोल्ड स्वार्जनेगर का नाम ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा बॉडी बिल्डर था जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता था? आज हम आपको आजाद भारत के पहले इसी बॉडी बिल्डर के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस बॉडी बिल्डर का नाम है मनोहर आइच। इनका जन्म 17 मार्च 1912 को एक कायस्थ परिवार के घर में कोमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। मनोहर आइच ने जिम की शुरुआत तब की थी जब भारत में लोग जिम के बारे में जानते भी नहीं थे। उस समय भारत में लोग पहलवानी करना पसंद करते थे। मनोहर ने जब पहली बार पहलवानों को बॉडी दिखाते हुए देखा तो उन्हें उसी दिन से बॉडी बनाने का शौक चढ़ गया। शौक इस कदर चढ़ा कि मनोहर आइच आजाद भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स बन गए थे। आइच ने 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। पर इनका कद ज्यादा नहीं था, इसलिए लोग इन्हें प्यार से पॉकेट हरक्यूलिस भी कहा करते थे। बाद में जाकर मनोहर दुनिया में पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से मशहूर हुए थे। मनोहर आइच का कद लगभग 4 फीट 11 इंच था। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने पुशअप्स, स्क्वाट्स और ट्रेडिशनल सिटअप्स जैसे बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, और यहीं से इन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू किया। आपको बता दें कि केवल 12 वर्ष की उम्र में एक बार में ये 100-100 के सेट लगाया करते थे। इनमें 100 पुशअप्स और सिटअप्स जैसी एक्सरसाइज शामिल थी, क्योंकि उस समय जिम के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी, और शायद इसी वजह से इन सेट्स की संख्या देशी पहलवानों की तरह ही हुआ करती थी। उस जमाने में इनकी बाइसेप्स 46 सेंटीमीटर, चेस्ट 120 सेंटीमीटर और कलाई 51 सेंटीमीटर थी। आइच 1942 में एयरफोर्स में भर्ती हो गए और यहीं से इन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपना करियर को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब ये अपनी जवानी के जोश में थे, और उस टाइम एक ब्रिटिश अधिकारी ने उन पर गलत कमेंट कर दिया था, और इसी के चलते उन्होंने उस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। बाद में इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में जाने पर इन्होंने अपने करियर को और भी सीरियसली लिया और ज्यादा हार्डवर्क करने लगे। वे जेल में रहकर घंटों एक्सरसाइज करते थे। जेल अधिकारी उन पर नजर रखने लगे, लेकिन उन्होंने उनके हार्डवर्क को देखकर जेल में ही जिम के सामान का इंतजाम करवाया। यही नहीं, जेल अथॉरिटी ने उनके लिए स्पेशल डाइट भी शुरू करवा दी। आइच 1950 में 38 साल के थे और इस साल उन्होंने मिस्टर हरक्यूलिस जीता। 1951 में मिस्टर यूनिवर्स के लिए ये सेकंड नंबर पर रहे थे, और 1952 में उन्होंने नाबा श्री यूनिवर्स के प्रो शॉट डिवीजन में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये उनके लिए इतने कम संसाधनों में इतनी बड़ी अचीवमेंट पाना एक बहुत बड़ी बात थी। इनके इस श्रेय को देखकर पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2015 में उन्हें बंग विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। 5 जून 2016 को 104 वर्ष की उम्र में बॉडी बिल्डर मनोहर आइच की कोलकाता में मृत्यु हो गई। 1991 में उन्होंने भाजपा के लिए चुनाव भी लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि उन्हें इन इलेक्शन में 1,63,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इन्होंने स्टंटमैन के तौर पर महान जादूगर पीसी सोरकर के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, और ये अपने दांतों से स्टील को तोड़ने मोड़ने का करतब दिखाया करते थे। आइच बहुत नियमों के साथ जिंदगी जीने वाले इंसान थे। समय पर सोना, समय पर उठना, अच्छा खाना खाना, पौष्टिक आहार लेना, कसरत पर पूरा ध्यान देना और दिन में कम से कम 2 घंटे कसरत करने को जरूरी बताना।
उनका कहना था कि ये सभी काम अच्छे शरीर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मनोहर ने इसलिए जिंदगी को 100 के पार जिया था। ये नशे से बिल्कुल दूर रहा करते थे और दूसरों को भी इनसे दूर रहने के लिए कहा करते थे। मनोहर लोगों से कहते थे कि अगर लंबी और रोग मुक्त जिंदगी चाहिए तो नशे से दूर रहें, पौष्टिक भोजन का सेवन करें और नियमित रूप से कसरत करते रहें। यहाँ तक कि लोग भी ये बताते हैं कि उन्होंने कई साल से मछली और अंडे का सेवन करना भी बंद कर दिया था। मनोहर सिर्फ अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करते थे और नियमित रूप से कसरत किया करते थे। तो दोस्तों, ये थे भारत के पहले बॉडी बिल्डर। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।